कांग्रेस ने अमरेंद्र पांडे को प्रत्याशी बनाया है और अनु पांडे के समर्थन में जो है खलीलाबाद विधानसभा से कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी बनाया है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आज अमरेंद्र पांडे जो है संत कबीर नगर में पहुंचे हैं टिकट लेने के बाद और उनका भव्य स्वागत ढोल नगाड़े के साथ जो है जनता कर रही है, युवा कर रहे हैं। अनु पांडे जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी की जो 30 साल से सत्ता में नहीं है पुनः सत्ता में स्थापित कराना है। बड़ी स्वागत का दौर चल रहा है और भीड़ जो है स्वागत का दौर चल रहा है और यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत अमरेंद्र पांडे का किया जा रहा है। अनु पांडे से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राथमिकताएं होंगी और यहाँ पर जो है भीड़ जो है स्वागत में इनकी उमड़ी हुई है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खलीलाबाद विधानसभा पर समस्याएं क्या हैं और क्या जो है प्राथमिकताएं हैं। अनु, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी अमरेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जनपद खलीलाबाद में जो औद्योगिक विकास ठप पड़े हुए हैं उसको पुनः चालू कराना, औद्योगिक क्षेत्र का और इंडस्ट्रियल एरिया का विकास करना और सूखे कताई मिल का चलाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। क्या मानते हैं कि निजाम भले बदले लेकिन हालात खलीलाबाद विधानसभा की जस के तस रह गए, क्या मानते हैं? अब इसके पीछे हम बहुत ज़्यादा नहीं गहरा जाना चाहते हैं, जनता पूरा जानती है और हम अपने पार्टी के नेतृत्व को और उसके विचारों को लेकर आगे चलेंगे और जनता में उसके विचारों को पहुंचाएंगे। तो ये अनु पांडे और अमरेंद्र पांडे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जनता अमरेंद्र पांडे को विधायक बनाएगी क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं खलीलाबाद विधानसभा की जो समस्याएं हैं उन पर प्रहार करेंगे और उसको नौजवानों को रोजगार और कांग्रेस को हाथों को मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस ने यहां जो है इनको प्रत्याशी बनाया है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।